दोस्तों, पृथ्वी के चंद्रमा को जल्द ही एक अन्य मिनी मून मिलने वाला है। कहने का मतलब छोटा मून मिलने वाला है, लेकिन इस मिनी मून हमेशा चंद्रमा के साथ नहीं होगा, बल्कि कुछ वक्त के बाद यह गायब हो जाएगा। दरअसल 53 दिनों तक मिनी मून पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और उसके बाद यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लगातार सोशल मीडिया पर यही खबर लगातार चल रही है कि कुछ दिनों बाद हमारी आकाशगंगा में एक नहीं बल्कि दो दो चंद्रमा दिखने वाले हैं। क्या ये सत्य है? क्या ये भारत में दिखेंगे अथवा नहीं दिखेंगे? इसकी पूरी जानकारी एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। जो व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह के पास कुल 293 चंद्रमा हैं। इससे तो साफ है कि कई ऐसे ग्रह हैं जिनके पास खुद के अनेकों चंद्रमा हैं। इस लिस्ट में शनि ग्रह सबसे ऊपर है, लेकिन हमारी धरती के पास महज एक चंद्रमा है जिन्हें हम रात में निहारते हैं। पर वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है जिससे सभी का मुंह खुला का खुला रहेगा। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती को एक अस्थाई मिनी मून मिलने वाला है, हालांकि यह चंद्रमा कुछ वक्त बाद गायब हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पृथ्वी को मिनी मून मिलने के साथ ही कुछ समय के लिए हमारे पास दो चंद्रमा हो जाएंगे। दरअसल एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जो कभी कभार ही घटित होती रहती है। बता दें कि आसमान में दिखाई देने वाले चंद्रमामा की तरह हमें दूसरा चंद्रमा दिखेगा, बल्कि यह मिनी चंद्रमा के नाम से जाना जाएगा। एक छोटा एस्टेरॉयड है जिसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जकड़कर अपने पास गोल गोल घुमाएगा। कहने का मतलब वो पृथ्वी का पूरी तरह से चक्कर लगाएगा। यह एस्टेरॉयड विज्ञानी नाम 2024 PTA-5 है। दोस्तों, यह किसी तरह का चंद्रमा नहीं है, एक तरह का एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के गोल गोल घुमाती है। उसके बाद एक खगोलीय घटना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने 2024 PT-5 नामक एस्टेरॉयड की खोज 7 अगस्त 2024 को एक ATLUS की मदद से की। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने एक रिसर्च के पेपर में प्रकाशित के रिपोर्ट के मुताबिक यह बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड नहीं है। महज 10 मीटर व्यास वाला एस्ट्रॉयड 29 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि 2 माह की अवधि में 2024 PT-5 एस्टेरॉयड पृथ्वी का एक चक्कर भी नहीं लगा पाएगा और 25 नवंबर 2024 को वापस सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसा सुन रहे हैं कि लगातार कि हमारे आकाशगंगा या सौर मंडल में हमें दो चांद दिखाई देने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये महज एक क्षुद्र ग्रह है जिसे हम इंग्लिश में एस्टेरॉयड बोलते हैं। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पास आकर उसका चक्कर लगाना कोशिश फिलहाल ये बहुत देखने में छोटा है। 2024 PTA-5 एस्टेरॉयड ना तो नग्न आँखों से और ना ही टेलीस्कोप से बढ़िया दिखेगा। इसे अत्याधुनिक अवे की मदद से देखा जा सकेगा, लेकिन मिनी मून वैज्ञानिकों के लिए अर्थ ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी के लिहाज से काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, इस तरह से ये खबर साफ हो गई है, ये किसी तरह का चंद्रमा नहीं है। आने वाले दिनों में ये आपको क्षुद्र ग्रह के रूप में ही देखा जा सकता है और भी भारत में या कहीं भी इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये तरह का क्षुद्र ग्रह है, मैंने पहले भी साफ कर दिया है। एक तरह से इसे वैज्ञानिकों ने मिनी मून का नाम दे दिया है और ये 25 नवंबर तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तक रहेगा, उसके बाद वापस से सूर्य की परिक्रमा में चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल, फैक्टफुल और जानकारी भरी रही होगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचेंगे। चैनल को थोड़ा शेयर कर लीजिए। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। दोस्तों,